हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर। अरे मोटूलाल, तुम इतने मोटे हो इसलिए तुम अब से क्लास के अंदर नहीं पढ़ सकते, बाहर निकल जाओ क्लास के। और चीकू, तुम्हारा रिलीजन हिंदू नहीं है, इस वजह से तुम भी क्लास के अंदर अलाउड नहीं हो, बाहर निकलो क्लास के। मोमो सर, लगता है आपने सिविक्स नहीं पढ़ी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हमारे भी कुछ राइट्स हैं। अरे मोटूलाल, तुम मुझे मत सिखाओ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर, भाग जाओ क्लास से। और ये राइट्स वाइट्स के बारे में तुम क्या जानते हो? सर, आप मुझे इतना नादान मत समझो, हमारी कंट्री के अंदर हर एक सिटीज़न के पास कुछ राइट्स होते हैं, और ये राइट्स के बारे में मैंने जाना है क्लास 9th के डेमोक्रेटिक राइट्स चैप्टर से। दोस्तों चलो हम सब मिलकर ये चैप्टर देखते हैं, फिर मोमो सर की अकल ठिकाने लगाएंगे। बिल्कुल बच्चा पार्टी, ये जो चीज़ मोमो सर तुम्हारे साथ कर रहे हैं ये बहुत गलत है। देखो, डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं और हमारे राइट्स क्या होते हैं ये हम जान जाएंगे क्लास 9th का ये चैप्टर पढ़कर। व्हाट आर राइट्स? राइट्स होते हैं रीजनेबल क्लेम्स, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि रीजनेबल हैं, जो आपकी रीजनेबल मांग है। जैसे कि क्या कि आपने बोला कि मुझे एजुकेशन मिलनी चाहिए, पढ़ाई मिलनी चाहिए, मैं जो सोच रहा हूँ वो चीज़ सोच पाऊँ। प्रेस, मतलब कोई भी न्यूज़ वाले या न्यूज़ वाले जो भी सही या गलत हो रहा है वो दिखा सकें। इन्फॉर्मेशन, स्पीच, रिलीजन, मूवमेंट, एसोसिएशन, ये सारे हमारे राइट्स होते हैं। और ये सारे राइट्स हमें कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, और कौन देगा? इस चैप्टर के अंदर यही सारे राइट्स के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। लेकिन क्या हो अगर गवर्नमेंट आपको ये सारे राइट्स नहीं दे, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये भी हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ था अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर एक प्रिजन है, एक जेल है, जिसका नाम है ग्वांटानमो बे, ये है इसका एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन, ठीक है। अब ग्वांटानमो बे के अंदर क्या होता है, लगभग 600 लोगों को पकड़ा जाता है और जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन सर, ऐसे ही कोई क्यों पकड़ के डालेगा जेल में 600 लोगों को? तो यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर 11 सितंबर 2001 को एक इंसिडेंट होता है। दो प्लेन्स आते हैं और एक बड़ी सी बिल्डिंग से आकर टकरा जाते हैं, और ये जो दो प्लेन्स थे, ये जो पूरा क्रैश हुआ था, ये सारा क्रैश एक टेररिस्ट ने करा था, एक आतंकवादियों ने करा था। तो ये जो 600 लोग थे, ये उन आतंकवादियों से जुड़े हुए थे, इसीलिए इन्हें यूएस की गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था। यूएस की जो फोर्सेस थी, आर्मी वगैरह थी, उन्होंने इन्हें पकड़ लिया था और इन्हें रखा था ग्वांटानमो बे जेल के अंदर, जो कि क्यूबा के पास है और इसे अमेरिका की नेवी कंट्रोल करती है। अब जितने भी लोगों को पकड़ा गया था, इनको अच्छे से इंटरोगेट करा गया, पूछताछ करी गई, और फिर डिसाइड करा गया कि इन्हें इस जेल में रखा जाए या फिर ना रखा जाए। लेकिन सर, यहाँ पर इनके साथ क्या गलत हुआ? गलत ये हुआ कि देखो, कोई शायद निर्दोष भी हो सकता है, शायद कोई दोषी भी हो सकता है, तो अगर कोई निर्दोष था तो वो क्या कर सकता था? मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब कि कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट के सामने बोल सकता था कि मैं दोषी नहीं हूँ। लेकिन ये तो इन लोगों को चांस दिया ही नहीं, इनको ट्रायल, मतलब कि कोर्ट के अंदर जाकर अपनी बेगुनाही साबित करने का तो चांस मिला ही नहीं, सीधे इनको जेल के अंदर डाल दिया गया। ये बताया जाता है, एमनेस्ट्री इंटरनेशनल ने ये बताया है कि ये जितने भी प्रिजनर्स थे जो कि ग्वांटानमो जेल के अंदर बंद थे, इनको बुरी तरीके से मारा जाता था, टॉर्चर करा जाता था और वायलेट करे जाते थे जितने भी यूएस के लॉज होते थे, मतलब कि इनको मार पिटाई करी जाती थी, खाना भी इनको समय से नहीं मिलता था, रखा भी बड़ी कम जगह के अंदर जाता था। तो जितने भी, मतलब यूएस के अंदर जितने भी इंसानों को लॉज, वो राइट्स मिले हुए हैं, जो भी यूएस के लॉ हैं, कानून हैं, उन सबको तोड़कर इन लोगों को बुरी तरीके से सताया जा रहा था। तो यहाँ पर यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी ये बोला कि जो भी ये चीज़ हो रही है ग्वांटानमो बे के अंदर, जो भी ग्वांटानमो जेल के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है, इन सबको क्लोज डाउन कर देना चाहिए। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि हम तुम्हारी बात को नहीं मानने वाले और कंटिन्यू करा। तो इस तरीके से भी कुछ कंट्रीज़ करती हैं, तो ये काफ़ी गलत हुआ था इन प्रिजनर्स के साथ। हाँ, ये प्रिजनर्स गलत ज़रूर थे, ये लोग गलत ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इनको अपनी बेगुनाही साबित करने का एक चांस तो मिलना चाहिए था। वाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मतलब कि हम लोग अपने लीडर्स को चुनकर जिताते हैं, लेकिन हम सबको राइट्स क्यों चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर?
ये अभी हम लोग जानने वाले हैं। अरे अरे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुम करना ही भूल गए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट हैं और मेंबरशिप क्या चीज़ है? मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया। और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास राइट्स हों टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। अब ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब क्या कि हम लोग वोट देकर जब अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं तो हमारे पास भी ये राइट होना चाहिए कि हम लोग अपने ओपिनियंस बना पाएँ, हम लोग खुद की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बना पाएँ। मान लो आप किसी गवर्नमेंट से खुश नहीं हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद की भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो और लोगों को बोल सकते हो कि देखो ये जो गवर्नमेंट है ये सारे अच्छे काम नहीं कर रही, लेकिन अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं ये सारे अच्छे काम करूँगा। तो इस तरीके से हम लोगों के पास ये भी एक राइट है। अच्छा, ये राइट्स होते क्या हैं? अगर आसान भाषा में मैं बोलूँ तो राइट्स होती है वो गारंटी जो गवर्नमेंट हमें देती है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो यहाँ पर हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बंटी बदमाश क्या कर रहा है, इस बच्चे को परेशान कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें एक राइट दिया हुआ है कि गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट करेगी। तो आप किसके पास जा सकते हो? पुलिस के पास जा सकते हो। पुलिस के पास आप जाकर कंप्लेंट कर सकते हो। तो आपके पास क्या है, एक राइट है कि आपको कोई भी परेशान ना करे या आपकी कोई पिटाई ना करे। और फिर बंटी बदमाश के ऊपर होगा क्या, होगा पुलिस एक्शन लेगी और शायद ये जेल भी जा सकता है। ज़्यादातर डेमोक्रेसीज के अंदर जो भी राइट्स हैं ये कहाँ पर लिखे होते हैं, या फिर अगर आसान भाषा में मैं बोलूँ कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं ये आपको कैसे पता चलेगा? ये सारे राइट्स लिखे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन एक इस टाइप की बुक होती है, इसी बुक के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड लॉज भी लिखे होते हैं। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि हर एक सिटीज़न के पास क्या क्या राइट्स हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर वाकई में हर एक सिटीज़न के पास क्या राइट हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और भी बहुत सारे राइट्स हमें दिए गए हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, चाहे आपकी कोई भी कास्ट हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, गवर्नमेंट की नज़र में आपको इक्वली ही ट्रीट करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप आदमी हो तो आप वोट देने गए तो आपके वोट की वैल्यू 2 है, और वुमेन हो तो आपके वोट की वैल्यू 1 है। गवर्नमेंट की नज़र में अगर आप आदमी हो तब भी आपके वोट की वैल्यू 1 ही रहेगी, और अगर आप वुमेन हो तब भी आपके वोट की वैल्यू 1 ही रहेगी। गवर्नमेंट किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती सिटीजन्स के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आपका कोई भी रिलीजन हो, आपकी कोई भी रेस हो, आपकी कोई भी कास्ट हो, आपकी कोई भी सेक्स हो, मतलब कि आप मेल हो फीमेल हो, और आप कहीं पर भी पैदा हुए हो, तो यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी भी हमें मिला हुआ है। फिर है राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब कि आज़ादी। अच्छा, आज़ादी किस चीज़ में चाहिए? देखो, आज़ादी हमें बहुत सारी चीज़ों में चाहिए होती है। अब राइट टू फ्रीडम का मतलब ये होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। मान लो आपको गवर्नमेंट की कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो आप उसके खिलाफ भी बोल सकते हो। क्या आपको पता है कि हम लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे? अगर हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी बोलते थे तो वो लोग हमें जेल में डाल देते थे या पनिशमेंट दे देते थे। असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हो या आप किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी रूल या रेगुलेशन को लेकर खुश नहीं हो, तो आप एक पीसफुल मैनर के अंदर इकट्ठे हो सकते हो, एसोसिएशंस और यूनियंस बना सकते हो, पूरी कंट्री के अंदर जहां पर आपका जाने का मन करे वहां पर जा सकते हो, कंट्री के अंदर जहां पर आपका रहने का मन करे वहां पर रह सकते हो, कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है,
और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड और बिजनेसेस। लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो तो आपको पूरी करनी ही पड़ती है। जैसे आप कुछ बच्चे मतलब खुश हो जाएंगे, बोलेंगे हम तो सर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो डॉक्टर बन के और सबको दवाइयाँ देने लग जाएंगे। ऐसा नहीं, आप डॉक्टर बन के प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक डॉक्टर की डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी प्रोफेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन कुछ जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है उनकी ज़रूरत पड़ती है। कोई भी पर्सन अपनी लाइफ के अंदर या फिर पर्सनल लिबर्टी जो है उसकी, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि जो उसकी लाइफ है, जो उसकी ज़िंदगी है, जो उसकी पर्सनल आज़ादी है, वो नहीं छीन सकती गवर्नमेंट, जब तक कि कानून के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशन ना लगाया जाए, कोई उसको पनिशमेंट कानून के अकॉर्डिंग ना मिली हो। अ गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट और डिटेन एनी सिटीजन अनलेस ही हैज प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन। कोई भी गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं किसी भी सिटीजन को, जब तक कि उसके पास कोई प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन ना हो। जैसे देखो, आप सही हो या आप निर्दोष हो, अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो आपको पुलिस ऑफिसर और गवर्नमेंट डिटेन नहीं करेगी, नहीं पकड़ेगी। लेकिन आप इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाते तो आपके ऊपर भी क्या हो सकता है, अरेस्ट हो सकते हो, आपको भी पकड़ के रख सकती है। फिर एक और राइट है जिसे बोलते हैं हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखो, ये बहुत छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा गलियों के अंदर काम कर रहे हैं, बिकॉज ये गरीब हैं, तो ये चीज़ भी गवर्नमेंट की नज़र में गलत है। अगर कोई छोटा बच्चा किसी शॉप के ऊपर काम कर रहा है और शॉपकीपर उससे काम करवा रहा है जस्ट बिकॉज उसको कम पैसे देने पड़ते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट की नज़र में गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब आप किसी इंसान को खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ये चीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है। सर, क्या ऐसा सच में होता है इंसानों को खरीदा और बेचा जाता है? बिल्कुल, इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर चुपके चुपके काम होता है, लोगों को बेच दिया जाता है। क्या आपको इस बात के बारे में पहले से पता था तो कमेंट ज़रूर करना, अगर नहीं पता था तब भी कमेंट करना और बताना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉरबिड करता है फोर्स्ड लेबर और बेगर इन एनी फॉर्म। देखो, आप भीख मांगो या फिर आप फोर्स्ड लेबर, आपसे कोई ज़बरदस्ती काम कराए, इस चीज़ को भी कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है कि आपसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को, छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, उस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली प्रोहिबिट करता है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको सज़ा मिलेगी, आपने लेकिन ऐसा बहुत बार होते हुए देखा होगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हो तो हमारी कंट्री के अंदर फॉलो कर सकते हो, तो ये सबसे बेस्ट और अमेजिंग रूल है, जबकि आप और कंट्रीज़ के अंदर देखोगे तो अलाउड नहीं होता ऐसा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू मेजॉरिटी, देयरफॉर इट इज़ द लैंग्वेज कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज दैट नीड स्पेशल प्रोटेक्शन। अब देखो, मेजॉरिटी में क्या आ गया, मान लो हम अपनी इंडिया की बात करते हैं, मेजॉरिटी में फॉर एग्जांपल यहाँ पर हिंदू हैं, तो हिंदू कल्चर, हिंदूज की लैंग्वेज क्या होती है, हिंदी, तो इस टाइप की चीज़ें क्या है कि हम हिंदूज तो मेजॉरिटी में हैं फॉर एग्जांपल, तो हिंदू मेजॉरिटी में होने के कारण जो भी हिंदूज के राइट्स हैं वो तो मेंटेन हो जाएंगे, लेकिन जो माइनॉरिटी में जैसे क्रिश्चियंस हो गए, क्रिश्चियंस बहुत कम हैं, तो इनके राइट्स को कौन बचाएगा? इनके राइट्स को गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इनके राइट्स को ज़्यादा सेफली रखना चाहिए गवर्नमेंट को, कि ये लोगों को भी आज़ादी रहे, अगर ये अपने कल्चर की कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, भगवान की जो ये पूजा पाठ करते हैं, अपने भगवान की पूजा पाठ करना चाह रहे हैं, तो उसमें इन्हें कोई प्रॉब्लम ना है, इस चीज़ का गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ मतलब वो लोग जो कि कम संख्या में हैं, क्रिश्चियंस इंडिया में कम संख्या में हैं। Any section of citizens with a distinct language or culture have right to conserve it. मान लो आप किसी different culture के हो, आपकी distinct language है, different language है, तो आपके जो भी ये सारे rights हैं, government इनको conserve करेगी, इन्हें बचाएगी। ऐसा नहीं है कि आपका different culture है या different religion है आपका, तो आपके rights को government नहीं बचाएगी। आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट चलाती है उसके अंदर अपना एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मान लो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो,
तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी पढ़ाई के ऊपर। जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि बेचारे चीकू को क्लास से निकाल दिया जा रहा था जस्ट बिकॉज वो हिंदू रिलीजन का नहीं था। तो ऐसा करना इलीगल है। अगर कोई कॉलेज या कोई स्कूल ऐसी चीज़ करता है तो उसको सीधे सीधे कोर्ट जेल में भी डाल सकता है, जो भी उस कॉलेज का हेड होगा उसको। ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। हर किसी के पास राइट होना चाहिए अपने कॉलेज और स्कूल को चुनने का। हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स? इन राइट्स को हम लोग सिक्योर कैसे कर सकते हैं? द राइट्स टू सीक द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मान लो ये सारे राइट्स की हमने बात तो कर ली, आपको पता भी चल गया, लेकिन क्या हो, जैसा अभी ऊपर उन बच्चों के साथ हो रहा था मोटूलाल और चीकू के साथ, कि जस्ट बिकॉज चीकू डिफरेंट रिलीजन का था तो बेचारे को स्कूल से निकालने की बात हो रही थी, क्लास से निकालने की बात हो रही थी। तो यहाँ पर वो क्या करे? उसको पता है कि उसका राइट तो है कि वो किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो। तो यहाँ पर वो गवर्नमेंट के पास जाएगा और सीक करेगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब यहाँ पर ये एक खुद में ही बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट है, मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि एक खुद में ही ये बहुत बड़ा राइट है जो कि हमारे और राइट्स को बचाता है। तो आप गवर्नमेंट के पास जाओगे और बोलोगे कि देखो ये मेरे साथ गलत हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर लेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये भी एक राइट है कि मान लो आपके बाकी के राइट्स अगर कोई फॉलो नहीं हो रहे तो आप गवर्नमेंट को जाकर बोल पा रहे हो कि ये राइट फॉलो नहीं हो रहे, तो आप पनिशमेंट दो जो हमें ये राइट फॉलो नहीं करने दे रहा। एक्सपेंडिंग स्कोप्स ऑफ राइट्स, धीरे धीरे करके जो हमारे राइट्स हैं वो इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स आर द सोर्सेज ऑफ ऑल राइट्स। अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ राइट्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंटिन्यूसली नए नए राइट्स उसके अंदर ऐड होते रहते हैं। बहुत सारे ईयर्स के अंदर ये राइट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुए हैं। देखो अकॉर्डिंग टू हम जितना मॉडर्न होते जा रहे हैं हमारे राइट्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के राइट्स जो हो गए वो अब इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, एक तो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। सबसे पहले राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब यही है कि कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी रेडियो अगर उसे गवर्नमेंट की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो बोल सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? मान लो गवर्नमेंट की कोई चीज़ आपको सही नहीं लग रही, आपको गवर्नमेंट की कोई बात सही नहीं लग रही, तो आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। राइट टू एजुकेशन, आपके पास पढ़ाई का राइट है। ठीक है, राइट स्कूल एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू लाइफ, आपका जिंदा रहने का भी एक राइट गवर्नमेंट आपको देती है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे राइट्स हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। ये एग्जांपल के लिए कुछ राइट्स मैंने आपको बताए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड मैनी मोर राइट्स विच मे नॉट बी फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और बाकी के राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले, ज़रूरी वाले राइट्स होते हैं, उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ये बाकी के राइट्स जो हो गए वो इतने ज़रूरी नहीं होते। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए ही चाहिए, सबसे ज़रूरी वाले राइट्स हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। बाकी के राइट्स तो हमें मिलते ही हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट इन इलेक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जो गवर्नमेंट हमें देती है कि मतलब हम वोट देकर अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर पाएँ। राइट टू प्रॉपर्टी भी, मतलब कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी रहने वाली है, ये भी राइट आपके पास होना चाहिए। ऐसा पहले ज़माने में नहीं था बिल्कुल। जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे तो हमारी प्रॉपर्टी हमारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती थी, वो लोग जिस प्रॉपर्टी को चाहे उसे अपना बना लेते थे। तो ये काफ़ी बुरा हम इंडियंस के साथ हुआ था पहले। अब तो बहुत सारे हमारे पास राइट्स हैं, कुछ भी गलत होगा तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारे ये फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट ने नहीं दिया। यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अच्छा ये बताओ कि अब जो चीकू और मोटूलाल हैं उन्हें किसके पास जाना चाहिए? उनके राइट्स अगर फॉलो नहीं हो रहे तो वो किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास या कोर्ट के पास? देखते हैं कितने बच्चे क्या क्या सोच रहे हैं और क्या क्या आंसर करते हैं। तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन करके आपको मेंबर ज़रूर बनना है। सर ज़रूर क्यों बनना है? क्योंकि देखो एक तो आपको नोट्स मिलने वाले हैं तो आप रिवाइज़ कर सकते हो पेपर से पहले। दूसरी चीज़ सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर का सर क्या बेनिफिट है? देखो सैम्पल पेपर के अंदर जो भी हमने चैप्टर पढ़ा इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपको पहले से ही
एक तरीके से टेस्ट की फॉर्म में दे दिया जाएगा। तो आप अच्छे से उसे प्रिपेयर कर लोगे तो 95 प्लस आना तो गारंटेड है, प्लस आपको शाउटआउट भी मिलने वाला है। तो यहीं पर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।